योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे के उपरांत आज दूसरे दिन गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवा आश्रम में मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में जाकर जनता की समस्याओं को एक एक कर सुना और निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान कमिश्नर डीएम एडीजी डीआईजी एसएसपी सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधि व मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक शुरू की। मंडल के सभी अधिकारी और गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधि समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। समीक्षा बैठक से पहले योगी आदित्यनाथ ने 2 पीड़ितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष के 2-2 लाख का चेक देकर सहायता की है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद समीक्षा बैठक की। मुजफ्फरनगर के ताती थाना क्षेत्र के गांव सैदपुरा में परचून की दुकान पर सामान ले रहे 2 युवकों में आपस में कहासुनी होने लगी और इस पर एक युवक ने तमंचे से गोली मारकर दूसरे युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला 2 अलग पक्षों से जुड़ा होने के कारण घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और पीएसी के साथ ही एसएसपी अभिषेक यादव और एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव और सीओ फुगाना मौके पर पहुंचे हैं और हालातों पर काबू पाया। 2 बच्चों के आपसी विवाद में एक लड़के को गोली मारी गई है, उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है, अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और जो दोषी है उसकी तलाश की जा रही है। बड़ों के बीच में नहीं हुआ, जो गोली मारने वाला है वो 17-18 साल का है, जिसको गोली लगी है वो 15-16 साल का है। आपस ही में परचून की दुकान पर किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है और उसके बाद इस तरह की बात घटित हुई है और विस्तृत जाँच की जा रही है और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर कार्रवाई। मामला तो भाई किसी को भी पता नहीं, दुकान पर आज जो भी कुछ हुआ उनके साथ दोनों भाइयों के, और हमने फैसला करा दिया, उन्हें भी खेत दिए अपने वालों को भी। और फिर में आए एक प्रशांत उर्फ गोली प्रदीप का लड़का और एक आंसू था साथ में, उसने आगे एकदम गोली चलाई और बच्चा खड़ा था वहाँ, बच्चा यहाँ का खड़ा था वो उधर चला बेचारा, उसको गोली मारी उसने। अमेठी में ट्रैक्टर से मिट्टी ढोते समय ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रैक्टर के नीचे दबकर एक ड्राइवर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के लाला कपूरवा गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। हरदोई में मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मानपूर्वक माहौल उपलब्ध कराने के लिए दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन की ओर से बाइक और स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। स्कूटी रैली का शुभारंभ एसपी राजेश त्रिवेदी ने पुलिस ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर किया। ये मिशन शक्ति के तहत हरदोई पुलिस द्वारा 30 महिला कांस्टेबल जो कि 15 बाइक्स पर हैं उनके द्वारा एक रैली निकाली गई है जो कि शहर के सभी प्रमुख सड़कों एवं चौराहों से होकर के गुजरेगी। इस यात्रा का मकसद यह है कि जो भी इन्हें देखे वो अपनी पूरी महिला फोर्स से महिलाएं एवं बच्चियों में एक सुरक्षा की भावना जागृत हो, वो एक जन जागरण भी हो कि शासन एवं जनपदीय पुलिस महिलाएं एवं बच्चियों की सुरक्षा के लिए आबद्ध है। कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में विश्व हिंदू परिषद कानपुर प्रांत द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा राम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश के 6000 गांवों से लगभग 2100 बच्चे भगवान राम और हनुमान के स्वरूप में कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान पहुंचेंगे, जिसको देखते हुए अब कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में पूरी तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण के रूप में पुष्पक विमान तैयार किए गए हैं, जिसमें 2100 भगवान राम और हनुमान के स्वरूप मंच पर मंचासीन होंगे। तो साथ ही साथ इस कार्यक्रम में देश के बड़े ऋषि मुनि और संत महात्मा भी मौजूद होंगे। तो वहीं शिव गर्जना के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए जाएंगे। दिन रविवार को जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कार्यक्रम रामोत्सव का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद के 21 जिलों से एक एक कार्यकर्ता, प्रखंड ब्लॉक से छोटे छोटे गांव से भी कार्यकर्ता प्रभु श्री राम का स्वरूप लेकर के यहां पर विराजमान होंगे। और जो विशाल मंच आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये मंच में 6000 प्रभु श्री राम के स्वरूप, नाना प्रकार के भगवान श्री राम के जो रूप थे वो सज करके यहाँ पर विराजमान होंगे। इनके साथ 1100 हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान होंगे।
अपने मत पंथ सभी पूज्य संत भी जो दाहिने दिशा पर विशाल मंच बन रहा, पूज्य संतों का भी यहाँ पर आगमन होगा, उनका भी सम्मान और स्वागत होगा। ये इसका मुख्य जो उद्देश्य हमारा पूरा हो, विश्व हिंदू परिषद का जो उद्देश्य है, पूज्य संतों के नेतृत्व में अयोध्या की पावन भूमि पर हम सब के आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। और अब दूसरा उद्देश्य है कि भगवान श्री राम की अवतरित भूमि पर राम मंदिर बन रहा है, ये लक्ष्य पूरा हुआ। अब ये पावन धरती पर राम राज्य की स्थापना हो तो घर घर राम और घर घर हर मोहल्ले में राम जैसे पुत्र पैदा हो। संभल में न्यूज़ वॉल इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां भयंकर हेपेटाइटिस की भी से प्रभावित गांव रामनगर में हेल्थ महकमे ने टीम भेजकर हेपेटाइटिस सी की सैंपलिंग कराई है। सैंपलिंग देने को भारी तादाद में महिला पुरुष और बच्चे उमड़े। बता दें कि असमौली थाना के रामनगर गांव में 55 लोगों के सैंपल हेपेटाइटिस पॉजिटिव मिलने के बाद न्यूज़ वॉल इंडिया ने इस गाँव में हेपेटाइटिस सी से तमाम मौतें और सैकड़ों लोगों के बीमार होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जहां एक औद्योगिक घराने में भूकंप मचा, वहीं हेल्थ महकमा चौकन्ना हुआ। असमौली सीएससी से एक हेल्थ टीम गांव में पहुंची है, जहां टीम ने हेपेटाइटिस सी के लिए 50 सैंपल कलेक्ट किए हैं। बता दें कि इस गांव के लोगों का दावा है कि 75% आबादी हेपेटाइटिस सी से प्रेरित है। करीब 40 लोगों की मौत का भी ग्रामीणों का दावा है कि गाँव वालों का आरोप ये है कि निकटवर्ती शुगर मिल और मिल के डिस्टिलरी से भूभर्गीय जलस्तर को खराब किया गया है। जहाँ पूरे मामले में डीएम संजीव रंजन ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही है। ये डॉक्टर लोग आए हुए हैं, इन्होंने ये सैंपल लिया है, तो कुछ कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत देखो साहब, अब पता चलेगी। अच्छा, पहली बार सैंपल? हाँ, पहली बार। कुछ गांव में लोग बीमार हैं? गांव में तो बहुत बीमार हैं, तीन बार हो गए। ज्यादा आ रहा है।